नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रकाश गौतम और आज हम चर्चा करते हैं कि जीएसटी के साइट ने, जीएसटी कमेटी ने कल यानी कि 7 मार्च 2019 को कई सारे नोटिफिकेशंस निकाले हैं, जिसमें मेन नोटिफिकेशंस हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। अभी करीब इस साइट पे अगर हम देखें तो नोटिफिकेशन नंबर 10 से लेके 14 तक यानी कि टोटल 5 नोटिफिकेशंस जारी किया गया है। इन 5 नोटिफिकेशन को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सबका अलग अलग वीडियो हम बनाते हैं जो कि आपको धीरे धीरे प्रेजेंट करेंगे। एक बार समरी में बोल दूं फिर डिटेल में हम चलेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 10 निकाला है ये। इन्होंने इसमें कहा है कि जिन लोगों की टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है फाइनेंशियल ईयर में, उन्हें एग्जेम्पशन दिया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 11 कहता है कि जीएसटीआर 162 प्रेस्क्राइब द ड्यू डेट्स फॉर फर्निशिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर दोज टैक्स पेयर्स विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू रुपीज 1.5 करोड़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई एंड जून 2019। इसमें इन्होंने ड्यू डेट के बारे में बताया है जीएसटीआर 1 के लिए जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ सीआर है। सेम नोटिफिकेशन नंबर 12 कहता है 62 प्रेस्क्राइब द ड्यू डेट्स फॉर फर्निशिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द दोज टैक्स पेयर्स विल एग्रीगेट टर्न ओवर मोर देन 1.5 करोड़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई एंड जून 2019। ये 11 नंबर नोटिफिकेशन था जिनका एग्रीगेट टर्न ओवर अप टू था यानी 1.5 करोड़ तक था। अब ये नोटिफिकेशन 12 नंबर नोटिफिकेशन उनके लिए ड्यू डेट के लिए दिया गया है जिनका टर्न ओवर 1.5 करोड़ से 1.5 करोड़ से ज्यादा है। नोटिफिकेशन नंबर 13 देता है ड्यू डेट जीएसटीआर 3B के बारे में अप्रैल मई जून 2019 के लिए। और नोटिफिकेशन नंबर 14 कहता है कि जो पहला नोटिफिकेशन आया था 8 नंबर नोटिफिकेशन, उसको सुपरसीड किया गया है और नया नोटिफिकेशन ये आया है 14/2019, जिसमें कंपोजिशन डीलर के टोटल जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, उसके बारे में बताया गया है। आइए हम बाकी सारे नोटिफिकेशन का एक एक, अभी एक बार मैंने आपको समरी इंट्रोडक्शन दे दिया, आगे हम अभी नोटिफिकेशन नंबर 10 की चर्चा करेंगे और आगे हम एक एक नोटिफिकेशन का अलग अलग वीडियो आपको बताएंगे। तो नोटिफिकेशन नंबर 10 क्या कहता है हम वो देखते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 10 जो है, नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 सेंट्रल टैक्स का, न्यू दिल्ली में कल 7 मार्च 2019 को इशू किया गया है। ये कहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकोमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय स्पेसिफाइज द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन एज द कैटेगरी ऑफ पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द सेड एक्ट, नेमली कहता है जो फॉलोइंग कैटेगरीज के बिजनेसमैन है, पर्सन है, उनके लिए एग्जेम्पशन दिया गया है रजिस्ट्रेशन ऑप्टेन करने के लिए। तो वो क्या ऑप्टेन के लिए, क्या लिमिट दिया है, किनके लिए क्या दिया है, वो हम आगे देखते हैं जो इन्होंने नीचे लिखा है। एनी पर्सन हु इज इंगेज इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स एंड हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज, वो एग्जेम्प्ट है। यानी ये सब पर्सन जो लोग का सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर रुपीज 40 लाख को एक्सीड नहीं किया यानी 40 लाख से कम है, उन लोगों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट किया कि कुछ लोगों को छोड़ के, ए नंबर में क्या है, पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द सेड एक्ट, जिन लोगों के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 24 के तहत, उनके पे ये सेक्शन, ये नोटिफिकेशन अप्लाइड नहीं होगा यानी उनको 40 लाख वाली बेनिफिट नहीं है। सेक्शन 24 क्या कहता है वो एक बार मैं आपको समरी में दोहरा देता हूं। सेक्शन 24 कहता है कि अगर कोई इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है गुड्स या सर्विस का, उनके लिए सेक्शन 24 कवर करता है अगर उनका सप्लाई 1 रुपया के लिए हो, या मतलब
1 लाख का हो या 40 पैसे का हो या 40 लाख का हो, 20 पैसे का हो या 20 लाख का हो, ये शुरू से ही स्टार्टिंग से ही रूल है कि इस तरह से सेक्शन 24 में जिन जो 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 लोग आते हैं उन सबको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, चाहे उनका सप्लाई 1 रुपया ही क्यों ना हो। तो जो लोग इंटर स्टेट सेल करते हैं, सपोज मैं यूपी में बैठा हूं, अगर मैं दिल्ली माल बेचता हूं तो मुझे टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, जीएसटी टैक्स में रजिस्ट्रेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा कि टैक्सेबल सप्लाई, जितने भी रूल सेक्शन 24 में जितने भी लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना है उनके लिए कहा हुआ है कि टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो टैक्सेबल सप्लाई अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं, चाहे वो 1 रुपया का ही क्यों ना हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। सेकेंडली, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं और आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कैजुअल सप्लाई के बारे में मैं बता दूं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं वो लोग होते हैं, जैसे सपोज करिए कि मैं नोएडा में बैठा हूं और मुझे दिल्ली के प्रगति में मैदान में एग्जीबिशन में जाकर के स्टॉल लगाना है, तो उस केस में हम जो है सो अपना ये करेंगे कि कैजुअल रजिस्ट्रेशन सप्लाई लेंगे, और कैजुअल रजिस्ट्रेशन के लिए 90 दिन के लिए दिया जाता है, लेकिन आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, इस 90 दिन को आप बढ़ा भी सकते हैं, 90 दिन से 180 दिन तक आप इसे ले जा सकते हैं। सेकेंडली, अगर आरसीएम लाइबिलिटी का आप टैक्सेबल पर्सन है, आरसीएम आप पे बनता है, तो इस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर कोई नॉन रेसिडेंस टैक्सेबल पर्सन है उनके लिए भी, नॉन रेसिडेंस मतलब जो इंडिया में नहीं रहते हैं, उनके लिए भी मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन लेना, चाहे सप्लाई 1 रुपये का क्यों ना हो। साथ ही वो लोग जो टीडीएस काटते हैं अंडर सेक्शन 51 में, उनके लिए भी 1 रुपये वालों के लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ई कॉमर्स के थ्रू जो लोग काम करते हैं और टीसीएस काटते हैं उनके लिए भी जरूरी है। साथ ही जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए भी, चाहे 1 रुपया का ही सेल क्यों ना हो, उनको रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लेना है। उनपे 20 लाख वाली या अब ये 40 लाख वाली अप्लीकेबल नहीं होगी। अब सवाल होता है जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन कहलाते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग कहलाते हैं, जैसे मेरा ब्रांच, मेरा हेड ऑफिस नोएडा है और मेरा ब्रांच मान लीजिए दिल्ली में है या लखनऊ में है या कहीं भी है, तो हम और हमारा बिल बन के आता है एक ही नाम पे नोएडा के ऑफिस में, लेकिन मेरा कई जगह ऑफिस है, तो हम जो इनपुट है ITC क्लेम के वो हर एक ब्रांच में अपना बांट देंगे किया जाए, तो उस केस में आपको डिस्ट्रीब्यूट उस केस में आपको जो इस तरह का काम करते हैं उन्हें ये लेना अनिवार्य है, यानी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी मैंडेटरी है। साथ ही जो लोग आउटसाइड इंडिया में पर्सन रहते हैं और वो ऑनलाइन सप्लाई करते हैं, जैसे मूवी वगैरह का हम डाउनलोड करते हैं या और भी कोई डेटा टाइप का करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उनके लिए भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। तो वही ये नोटिफिकेशन कर रहा है कि जो लोग सेक्शन 24 में अप्लीकेबल है रजिस्ट्रेशन, उनके लिए यह नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है। सेकेंड कहता है, पर्सन इंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाइज ऑफ द गुड्स, द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ द टेबल बिलो एंड फॉलोइंग अंडर द टेरिफ आइटम सब हेडिंग हेडिंग और चैप्टर एज द केस मे बी एज स्पेसिफाइड इन द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इन कॉलम 2 ऑफ द सेट टेबल। इसके बारे में इन्होंने अभी नीचे ये जो कॉलम दिया है, इस कॉलम में, इस टेबल में जो लोग हैं इनके ऊपर भी ये अप्लीकेबल नहीं है 40 लाख वाला। जैसे कि टैरिफ हेडिंग है 2105000, जो आइसक्रीम वाले हैं उनके लिए ये अप्लीकेबल रूल नहीं होगा, और जो पान मसाला वाले हैं उनके लिए भी नहीं है। साथ ही जितने भी तंबाकू से मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, जैसे खैनी वाले जितने भी टोबाको वाले, उनका सिगरेट वगैरह जो बनता है तो तंबाकू से चीजें, उनपे भी ये रूल अप्लीकेबल, ये नोटिफिकेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ पर्सन्स इंगेज इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, कुछ स्टेट का नाम इन्होंने दिया है, वो स्टेट से अरुणाचल प्रदेश,
मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड, इन सब स्टेट के लिए भी ये 40 लैक्स का रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही पर्सन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 और सच रजिस्टर्ड पर्सन हुई इंटेंड टू कंटिन्यू विद देयर रजिस्ट्रेशन अंडर द सेड एक्ट। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो लोग सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 के तहत रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं या जो लोग नहीं चाहते हैं 40 लाख में जाने में 20 लाख वाले में ही रहना चाहते हैं तो उनके ऊपर भी ये अप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें इस नोटिफिकेशन को। थैंक यू, बाय बाय।